पुराणों में एक भूमि है जिसकी बड़ी महिमा है और उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। तीरथ बर नैमिष विख्याता। गए हैं नैमिषारण्य? कुछ लोग गए हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि पर नैमिषारण्य, जहां मन निमिष मात्र में एकाग्र हो जाए। और पुराणों में जितनी भी कथाएं हुई हैं, आप जब भी सुनेंगे नैमिषारण्य में ही हुई है। यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की भी कथा शुरू होती है तो एकदा नैमिषारण्य, यही से शुरू होती है। तो नैमिषारण्य भूमि की बड़ी महिमा पुराणों में गाई गई है। ऐसे भूमि में मनु जी और शत्रुपा जी जाकर के अनंत भाव से श्रद्धा से भगवान का भजन करने लगे। और उद्देश्य क्या है? कोई भी काम करे ना तो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और उद्देश्य अच्छा होगा तो भगवान भी निश्चित पूरा करते हैं। और आपको बताओ, मेरे भगवान भी कम नहीं है, भगवान जल्दी आते नहीं है। जब आप भगवान को याद करोगे ना तो भगवान आपको कुछ कुछ ऐसे ही दे देगा, आपका ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि आप उसी में परेशान रह जाओगे, आप उसी माहौल में परेशान रह जाओगे और भगवान की ओर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे पूजन करने लगे, द्वादश अक्षर मंत्र ते ही जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यति लाग। द्वादश अक्षर यानी जप क्या रहे? रामायण देखो समन्वयवाद की कथा है, जब क्या रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिव्य मंत्र का द्वादश अक्षर मंत्र ते ही जपई सहित अनुराग। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि ये मंत्र जपने से कृष्ण जी को आना चाहिए था ना, लेकिन कृष्ण जी नहीं आए बल्कि राम जी आते हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार आते। यही समन्वयवाद की कथा है। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन कुछ भगत ऐसे होते हैं कि लड़ जाते हैं। अरे वहां किसकी कथा चल रही है जी? राम जी की। हो राम जी की चल रही, हम तो कन्हैया के भगत हैं, हम काहे को जाएं? और कहीं भागवत चल रही है तो हम तो राम जी के भक्त हैं, हमें क्या मतलब, हमें क्या प्रयोजन भागवत जी से? अरे भगत किसी के हो, ये समन्वयवाद की कथा है। जिस भाव से कथा सुनेंगे निश्चित मिलेगा। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भक्तों ने बड़ा भेद कर दिया है। और भैया आज बड़े श्रद्धा भाव से जब भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की आवाज आई, भगवान ने ध्वनि की, मांगु मांगु बर भैनभ बानी। वर मांगिए, क्या चाहिए? मांगु मांगु बर। जब आप ईश्वर की राह में चलते हैं ना तो ईश्वर ऐसे ही वर देते ही जाता है। जिस वैराग्य को छोड़कर, जब जिस घर गृहस्थी को छोड़कर लोग संतत्व प्राप्त करते हैं, साधु बनने के बाद फिर इतना धनी हो जाते हैं कि उसके पश्चात फिर से वही बनाओ, फिर से उसी गृहस्थ जैसा माहौल बन जाता है। तो भगवान करता है ये सब, भगवान कुछ ना कुछ लगाए रहेगा पीछे कि आप उसकी राह में इतनी आसानी से ना आओ। भगवान आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा। और होता यही है, जब कुछ कुछ आपके पीछे लगा रहता है तो आपको भी बढ़िया बहाना मिल जाता है कि वो हो अभी हमारी भजन करने की उम्र है, अभी तो लड़के का विवाह हुआ है, अभी तो थोड़े दिन बाद बच्चों नाती पोते का मुख देखना है, फिर उनकी शादी करनी, उनका पढ़ाई करना है। और यही करते करते फिर चले जाते हैं दुनिया से, यही सब करते रह जाते। कई लोग हमारे पास आते हैं और यही कहते हैं कि देवी जी हम भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या बतावें, अगर हमारी परिस्थिति ऐसी ना होती तो हम आप ही लोगों के साथ रह जाते हैं। अब मैं समझ जाती हूँ कि ये एक नंबर के झूठे हैं। जिनको भक्ति करनी है ना, फिर उनको बहाना नहीं चलता है। जो भक्ति करना चाहिए, बहाना तो उन लोगों के लिए कि अरे जी ऐसी स्थिति हो गई, वैसी स्थिति, जो ईश्वर के भजन में आना ही नहीं चाहते। और जो ईश्वर के भजन में आना चाहते हैं वो मीरा जैसे निकल पड़ते हैं साहब। फिर वो ये नहीं देखते कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और जब आप ईश्वर की राह में, पहले तो प्रतिकूल बाधा होती है,
लेकिन बाद में सब कुछ अनुकूल भगवान निश्चित बना लेते। और आज जैसे कहा प्रभु मांगो मांगो बर, भगवान ने कहा कोई बर दे दे और घर जाए, नहीं तो ये हमें ही ना मांग ले। भगवान को यही डरता और हुआ भी यही, मांगो मांगो बर, मांगो जल्दी बर मांगो। और हम लोगों से कहे होते तो मांग की इतनी लंबी लिस्ट न जाने कब से तैयार है कि भगवान भी थक जाएंगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। आज कुछ डिमांड, कल कुछ डिमांड, और पूरा ना हुआ तो भरोसा भी खत्म। अरे होते नहीं है, हमारा वो काम पूरा नहीं किया था। इतने सस्ता सौदा भगवान से कर लेते हैं। मांगो मांगो बर, मांगो क्या चाहिए, और मांगना सबको नहीं आता रामायण सिखा रही है। क्या मांगा का ऐसे नहीं, जैसे आवाज कानों में पड़ी और आवाज में इतनी मधुरता थी, आवाज में इतना अपनत्व था कि ऐसा शरीर हो गया। हजारों वर्ष तक तप किया था, शरीर सूख गया था, लेकिन जैसे ही भगवान की अमृतमय वाणी महाराज मनु के श्रवणेन्द्रियों में प्रवेश करती है, मानो फिर से शरीर हष्टपुष्ट हो गया, मानो फिर से शरीर स्वस्थ हो गया। और मनु जी ने कहा ओहो, मांग से हम ये हमें फुसला नहीं सकते ये बात कह करके। और जिसकी आवाज में इतनी कशिश है, इतना आनंद है, इतना अमृत है, इतना अपनत्व है, अगर वो सामने उसको देखने का सौभाग्य मिल जाए तो फिर क्या पूछना। ऐसे नहीं कुछ कुछ नहीं चाहिए प्रभु, पहले सामने आओ। तो हम लोग अगर पहले से ही हम सोचे नहीं रहेंगे कि ईश्वर आएगा क्या मांगोगे, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, क्या ईश्वर के आने पे इतनी छोटी मांग होनी चाहिए? सीखना चाहिए मनु जी के चरित्र के माध्यम से क्या मांगा उन्होंने। मनु जी ने कहा पहले सामने आओ फिर मांग बताते हैं। और मेरे भगवान सामने आए कैसे, गोस्वामी जी लिखते हैं, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजै तन शोभान रखी, कोटि कोटि सतकाम सियावर राम चंद्र की जय। जिसके अंग अंग में करोड़ों करोड़ों कामदेव का वास है, ऐसे परम दिव्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हो जाते हैं। यही भक्त की ताकत है, अगर चाह लेना तो ईश्वर को भी आना पड़ता। खड़े हो गए आकर, और भगवान जब आए क्या चाहिए। अब मनु जी ने कहा प्रभु तुम को देख लिया है, अब तो और भी सुकून नहीं, अब तो बहुत बड़ी चीज मांगना चाहता हूं। अब तो हमारा सुकून जो सोचा था तुम आओगे तो एकदम समाप्त हो जाएगा सारी मांग, लेकिन एक मांग और बड़ी आ गई। भगवान ने कहा कौन सी मांग हमें देखकर आ गई जी। मनु जी कहते हैं, सुत विषयी तव पद रति हो, हम वो ही बड़ मूड कहीं किनको। और गौर करें क्या मांगा, यही मांग हमारी और आपकी होनी चाहिए। मड़ी बिनु फड़ी और जीनी जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीन। अरे प्रभु कुछ देना चाहते हो तो यही दो, कि जिस तरीके से हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको चाहते हैं। कितना अच्छी बात कही ना, कितनी बढ़िया बात कही। हम आपसे नहीं चाहते, हम तो आप ही को चाहते हैं। और आपसे मैं प्रश्न करूं, आप भगवान से मांगते हो या भगवान को मांगते हो? हम भगवान को नहीं मांगते, हम भगवान से ही मांगते हैं। और जिस दिन हमने भगवान को मांग लिया, हमारी सारी मांग उस दिन समाप्त हो जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मनु जी ने कहा अरे भगवान मिले तो क्या दुकान मकान के चक्कर में भगवान से कहो, भगवान हमें तुम ही चाहिए। और जब भगवान से कहा तुम चाहिए, भगवान तो प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान जल्दी आना नहीं चाहते। पर मनु जी ने कहा जिस तरीके से पुत्र के चरण में पिता की रति हो जाए,
मैं तुम्हें इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि जिस दिन तुमसे मेरी दूरी हो ना, तुम मुझसे, मैं तुमसे बिछड़ूं, मेरी मृत्यु हो जाए, मैं इतना प्रेम करूं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। कि मड़ी बिनो फड़ी, अजिमी जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीन। इतना मांगा भगवान, प्रसन्न हो गए। और ये बड़ी बात है कि मृत्यु मांगे कोई, बाकी मृत्यु कौन मांगता है? सब कोई नहीं मांगता। स्वर्ग सबको चाहिए, लेकिन स्वर्गवासी कोई होना नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग तो सबको चाहिए। और सबसे मूल कारण है, यही तो सब हेतु बने हैं जिसके कारण राम जी आए हैं। राम जी ने कहा अभी आप, आपका जब देह छूटेगा, स्वर्ग लोक में वास करेंगे, और उसके पश्चात जब आप संसार में आएंगे, तो पुनः हम आपके यहाँ निश्चित रूप से आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। भगवान ने जो कह दिया वो कह दिया, और हुआ भी यही। भगवान कैसे आते हैं? महाराज मनु का एक सच्चा मानव राष्ट्र में यदि होगा, वो परमात्मा को पुकारे, तो मेरे भगवान सब कुछ छोड़कर उस मानव के पास चले आते हैं। लेकिन मानवता जीवन में आए तब तो। संतों ने कहा मानव जब सच्चा संसार में होगा तो भगवान जरूर आएंगे। कुछ भी बनो, लेकिन सच्चे मानव पहले बनना चाहिए। और इसीलिए दुनिया में आप कहीं भी घूमते फिरते चले जाओ, आप देखोगे जगह जगह एरो बना रहता है। इंजीनियर बनाने की पाठशाला इधर है, डॉक्टर बनाने की पाठशाला इधर है, वकील बनाने की पाठशाला इधर है, लेकिन आज तक कहीं एरो लगाकर ये नहीं लिखा गया कि मानव बनाने की पाठशाला इधर है। मानवता तो सिर्फ और सिर्फ राम कथा से ही हमारे जीवन में, ठाकुर जी की कथा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। मानव कैसे बने? चाहे पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच कथा पटवारी बनो, नर नागर के व्यापारी बनो, चाहे जोग जति मजधारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले, पर ध्यान रहे सबसे पहले, तुम मानवता के पुजारी बनो, तुम मानवता के पुजारी बनो। तो सच्चा मानव होगा, परमात्मा जरूर आते हैं। तो ये तो कथा हुई भगवान को बुलाने की।